नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में नव पदस्थापित पुलिस कप्तान आनंद कुमार के पदभार ग्रहण करते ही पुलिस महकमे में तेजी आ गई है। दरअसल बीते दिनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए आपराधिक मामलों का पुलिस ने खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी जिले के नए सीनियर SP आनंद कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। SSP ने कहा कि नए वर्ष के दूसरे ही दिन बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पर हथियार का भय दिखाकर बाइक सवार बदमाशों ने ट्रक मालिक और उनके चालक से 10,000 नकद रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से बरारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। SSP ने बताया कि DSP सदर अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया और मामले में शामिल अभियुक्त अमित कुमार, शिवम कुमार और रिंटू उर्फ रमन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त किए गए 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 काले रंग की मोटरसाइकिल, लूटी गई मोबाइल और 3 अन्य मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त किए गए 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 काले रंग की मोटरसाइकिल, लूटी गई मोबाइल और 3 अन्य मोबाइल फोन भी बरामद किया है। साथ ही कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं दूसरे मामले को लेकर SSP ने बताया कि मधुसूदनपुर OP अंतर्गत आर्म्स एक्ट मामले में नामजद आरोपी अमित कुमार को छापेमारी के दौरान 2 रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही SSP ने कहा कि अभियुक्त अमित कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह वर्ष 2016 में 302 मामले में जेल भी जा चुका है और वह वर्ष 2016 में 302 के एक मामले में जेल भी जा चुका है। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 बड़ी सफलता पिछले 24 घंटे में अर्जित की गई है। 2 जनवरी की रात्रि में एक लूट हुई थी और ये विक्रमशिला पुल पर, जिसमें कि 10,000 रुपये और एक मोबाइल लूटा गया था एक ग्रुप के द्वारा, और उसमें काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। उसमें DSP CT अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो कि इस घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार काम कर रही थी। कल इस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि जिन अपराधियों ने इस घटना को कारित किया है, वह पुनः अपराध करने के लिए उसी पुल के आसपास कहीं भटक रहे हैं, और इस टीम ने पूरे चारों तरफ से घेराबंदी की और उसमें से एक अपराधी जो अमित था, उसको मोटरसाइकिल और 1 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई। और उसके पूछताछ के आधार पर 2 अन्य अपराधी, एक शिवम जिसको हम लोग नौगछिया से गिरफ्तार करके लाए, नौगछिया के करदत्ता थाना से, और जो तीसरा अपराधी है रिंटू, उसकी गिरफ्तारी ये बरारी में शमशान घाट है उसके पास से हुई। और इन लोगों के पास से 2 कट्टा और एक के पास से जो सिम कार्ड जो लूटा गया था वो उसके मोबाइल में लगा हुआ मिला रिंटू यादव के, और जो शिवम है उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। भागलपुर जगदीशपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित पुराना यूको बैंक के पास जगदीशपुर बासान निवासी स्वर्गीय प्रकाश शाह के 35 वर्षीय पुत्र राजेश शाह का उसके घर में फंदे से झूलता हुआ शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि राजेश शाह घर में अकेले ही रहता था और उसने खुदकुशी की है, जबकि अपनी बेटी के यहाँ सिक्किम गई मृतक की माँ का कहना है कि उन्होंने जब राजेश को फोन किया तो उसका फोन रिसीव नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने किराएदार बंटी को फोन कर राजेश के बारे में घर जाकर पता करने को कहा। वहीं इसके बाद जब बंटी ने राजेश के चाचा धनंजय के साथ जाकर देखा तो राजेश कमरे में फंदे से लटका मिला। इधर घटना की जानकारी मिलने पर राजेश के चाचा ने इसकी जानकारी कुछ ग्रामीणों को दी, जिसमें मृतक द्वारा आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। वहीं इसके बाद मामले की जानकारी ग्रामीणों ने जगदीशपुर थाना प्रभारी अमित कुमार को दी, जिसके बाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को दी। इधर SSP के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और सैंपल लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। हालांकि राजेश की मौत को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाओं का दौर भी जारी है। वहीं लोगों ने बताया कि मृतक की पत्नी लगभग 10 साल पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी, जबकि पिछले कुछ समय से वह कुछ पारिवारिक तनाव में चल रहा था। 5 बजे भेंट हुआ है, उसके बाद हम तो कोई मुलाकात कोई बात नहीं। पता कैसे चला? पता आज तरह हमको तो वो उसका मम्मी जो बात किया था ना, तो उसको बंटी को फोन किया, तो बंटी आया, यहाँ आया, कोई कहते तो देखते तो वही आए तो देखे तो रूम में लगा के मरा हुआ एकदम।
अकेले रह रहा था यहाँ पे? हाँ रहता है, हम रहता ही उम्र टोरा। ओ आगे वहाँ पर रहते हैं? आगे वालों में। भागलपुर सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित हुई। इस दौरान सांसद अजय मंडल के अलावा जिले के कई विधायक सहित जिलाधिकारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कई विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं धीमी गति से चल रहे विकास के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए जनहित की सभी योजनाओं को समय पर पूरा कराने का निर्देश डीएम समेत संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया। इधर फोरलेन और विक्रमशिला समांतर पुल निर्माण को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली गई, जबकि सुल्तानगंज से अगवानी को जोड़ने वाले पुल के कार्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आज सभी माननीय विधायक ललित आओ, पवन आओ, ललन आओ सभी थे और सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को जो उठाया गंभीरतापूर्वक उनको लिया गया। उनमें NH, फोर लाइन, नल जल का योजना, स्वास्थ्य का योजना, शिक्षा विभाग, ये सारी विभाग जितना था सबों ने अपनी अपनी क्षेत्र की जो समस्या था रखा और उनमें सब समस्या को समाधान किस तरह किया जाए विभाग को निर्देशित किया गया। भागलपुर विश्वविद्यालय इन दिनों प्रदर्शनकारियों का केंद्र बन गया है। आए दिन यहां कभी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन तो कभी छात्रों का धरना प्रदर्शन होता रहता है, जबकि अक्सर छात्र नेताओं का धरना प्रदर्शन किसी न किसी मुद्दे पर होता रहता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में स्नातक थर्ड पार्ट के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। दरअसल TMU प्रशासन की ओर से परीक्षा विभाग द्वारा स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा 19 जनवरी से कराने की घोषणा कर दी गई है, जबकि इतने कम समय में ऑनर्स 4 पेपर की परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं हो पाने की बात छात्र छात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिकुलपति और परीक्षा नियंत्रक के पास प्रदर्शन कर रही परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फिर से पूर्व निर्धारित तिथि और रूटीन के अनुसार परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं इसको लेकर आक्रोशित सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को प्रशासनिक भवन के समक्ष बैठकर मुख्य द्वार बंद कर दिया, जिसके कारण कार्यालय का कार्य घंटों बाधित रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो सका है और ऐसे में इतनी जल्दी परीक्षा कैसे दे सकेंगे। छात्र छात्राओं ने कहा कि इससे पहले विरोध किए जाने के बाद तिथि बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन फिर से TMU प्रशासन ने 19 जनवरी से ही परीक्षा लेने का आदेश जारी कर दिया है, जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। साथ ही स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के साथ कई छात्र संगठन की ओर से भी परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। वहीं इस मामले को तूल पकड़ता देख विश्वविद्यालय का माहौल भी गर्म होता जा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर पसोपेश में पड़ता दिख रहा है, जिसमें एक गुट द्वारा जहां पार्ट थर्ड की परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरे गुट द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन अंतिम रूप से क्या फैसला लेती है। बढ़वाना चाह रहे हैं? क्यों बढ़वाना चाह रहे हैं? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? जी 2-4 के कहने से सेम डेट क्यों? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? वाले मैथ स्टूडेंट वाले, साइंस वाले, जिनका प्रैक्टिकल होता है वो कैसे एग्जाम देंगे? वो क्या लिखेंगे एग्जाम में? उनको भी मैथ्स पढ़ना, हम लोग को भी तो क्या कहते हैं एग्जाम क्या कहते हैं देना है ना। ऐसा सिर्फ नहीं है ना कि उन लोग को एग्जाम देना है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम दिल्ली से आए हैं, तो आपको दिल्ली से आए हैं तो सब लोग यहाँ पास पढ़ रहे हैं। जिसका अकाउंट्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, वो सब 4 पेपर इतने कम दिनों में कैसे कम्प्लीट करेंगे? हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टैक्स, हम लोग अभी उसको छुए भी नहीं है। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग आगे सी ए का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को नॉलेज तो होना जरूरी है ना। 3 महीने में कोई माइकलाल नॉलेज। भागलपुर के खुशबूदार कतरनी चूड़ा का स्वाद इस बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ कई गणमान्य लोग चख पाएंगे। शुक्रवार को विक्रमशिला ट्रेन से आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 क्विंटल खुशबूदार कतरनी चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद बिहार भवन से कतरनी चूड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा कई मंत्रालयों और गणमान्य लोगों को भागलपुर की ओर से उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। बिहार
जिला कृषि विश्वविद्यालय एवं जिला कृषि विभाग के प्रयास से जीआई टैग प्राप्त कर चुके भागलपुरी कतरनी को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्पादन और बाजार का विस्तार करने का कार्य किया जा रहा है। जबकि जर्दालू आम की तर्ज पर भागलपुरी कतरनी चूड़ा की ब्रांडिंग कर इसे विशिष्ट लोगों को भेजा जा रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कतरनी को बढ़ावा देने के लिए नोडल प्रभारी और कर्मचारी की टीम भी गठित की गई है। वही कतरनी चूड़ा लेकर आत्मा के परियोजना उप निदेशक प्रभात कुमार सिंह एवं लेखापाल प्रेम कुमार सिंह खुद दिल्ली बिहार भवन के लिए रवाना हुए हैं, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत कई विशिष्ट लोगों को यहां की खुशबूदार कतरनी चूड़ा की सौगात भेंट की जाएगी। बता दें कि कतरनी उत्पादन के लिए भागलपुर के जगदीशपुर सुल्तानगंज के अलावा मुंगेर अमरपुर एवं जमुई का क्षेत्र अनुकूल माना जाता है, जहाँ खुशबूदार कतरनी चूड़ा और चावल की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो वर्तमान में भागलपुर के 496 एकड़ में कतरनी की खेती की जाती है, जो सुपाच्य होने के साथ अपने स्वाद और खुशबू को लेकर लोगों द्वारा खासी पसंद की जाती है। भागलपुरी कतरनी चूड़ा जो अब अपने सुगंध और स्वाद के कारण विश्वविख्यात हो गया है, तो इसको जिला प्रशासन की ओर से इसे बिहार भवन नई दिल्ली भेजा जा रहा है। 3 क्विंटल चूड़ा हम लोग लेकर के बिहार भवन जा रहे हैं। असल में इसका जीआई प्राप्त हुआ है भागलपुर को और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी सुधार हो रहा है। तो इसको हम लोग वर्तमान में जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से दिल्ली स्थित गणमान्य के संदेश स्वरूप में भेजा जाता है। और पिछले साल भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ से चूड़ा सौगात के रूप में जिला प्रशासन और आत्मा के द्वारा भेजा गया था, और इस बार भी 3 क्विंटल चूड़ा आज विक्रमशिला से जिला प्रशासन और आत्मा के तरफ से आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह लेके गए हैं। ये चूड़ा डायरेक्ट भागलपुर से बिहार भवन जाएगा, वहाँ से अन्य गण्यमान के लिए वहाँ से जाएगा उनके यहाँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप बैंक से पैसे की निकासी करने जा रहे हैं तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। दरअसल भागलपुर के सड़कों पर बैठे ठग बैंक से पैसे की निकासी करने वाले लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत कचहरी के समीप का है, जहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे एक ठग ने नगर निगम सफाई कर्मी को 2 लाख की गड्डी दिखाकर पुलिस की मौजूदगी में बड़ी सफाई से 11,000 रुपए
घंटे की ठगी कर ली। मामले को लेकर मायगंज मोहल्ला निवासी मोहम्मद जिम्मी ने बताया कि वह बैंक से 12,000 की निकासी कर पैदल कचहरी चौक से घर जा रहा था, तभी एक ठग ने 2 लाख का बंडल वाला थैला दिखाकर 11,000 देने की बात सफाई कर्मी को कहा। वही सफाई कर्मी जिम्मी ने उसके झांसे में आकर ठग को 11,000 रुपये दे दिया और मौके देखकर ठग वहां से फरार हो गया। गौरतलब हो कि कचहरी चौक पर ठगी के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पिछले वर्ष झारखंड के दुमका निवासी दिलावर हुसैन और उनकी पत्नी से पुलिसकर्मी बनकर 5,000 की ठगी कर ली गई थी। वही कुतुबगंज निवासी अनिल मोदी से भी ठगों ने वन विभाग का अधिकारी बनकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। बहरहाल एक तरफ पुलिस शहर में कानून व्यवस्था की बात करती है, वहीं दूसरी ओर शहर के रिहायशी इलाकों में लगातार इस तरह की घटना ने प्रशासन के कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वो बोला क्या मेरा पैसा 1,00,000 रुपया मेरे पास है, 2 लाख लो रखो ने हम आ रहे हैं, जैसे मेरे को पैसा दो 13,000 रुपया और हम दे दिए उसको 11,000 रुपया और उसके बाद हमको बोला यहाँ पर रुकना, हम रुके रहे, वो अब चला चला गया। हाँ क्या नाम है फिर से बताओ? मोहम्मद जिमी। घर कहाँ हुआ? मायागंज। नवगछिया कचहरी परिसर में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर नगर निगम चुनाव में उनकी पत्नी सविता देवी की हार के कारणों पर दिए गए बयान के बाद फिर से चर्चा में आ गए हैं। अपने बयान में गोपाल मंडल ने कहा कि महापौर चुनाव जीतने वाली डॉक्टर वसुंधरा लाल ने चुनाव में 5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि पूर्व महापौर सीमा शाह ने उनसे भी अधिक 6 से 7 करोड़ रुपया खर्च किया। विधायक ने कहा कि वे लोग पैसे वाली पार्टी नहीं है और पैसा देकर लोगों से वोट नहीं लेते हैं। साथ ही कहा कि सभी प्रत्याशी काफी पहले से नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहे थे और वे अचानक चुनावी मैदान में आए, यह भी उनकी पत्नी के चुनाव में हार का एक कारण है। वहीं विधायक गोपाल मंडल ने पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर सरकार का बीट बचाव करते हुए कहा कि छात्रों को शांत कराने के लिए पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है। इधर शराबबंदी से बिहार में हो रही मौत पर गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बाद भी लोग चोरी छिपे शराब पीते हैं और इससे होने वाले नुकसान के लिए वे ही जिम्मेदार होंगे। साथ ही कहा कि किसी भी सूरत में शराब नहीं पीना चाहिए। हम भी मैदान में, सही बात है, लेकिन चूंकि पहली बार शहर में चुनाव लड़ाए थे और हुआ कहीं ना कहीं चूक एकाएक तैयारी में आए, वो लोग पहले से घूम रहा था, जिसमें बंद भी हुआ उसमें भी घूम रहा था, हम घुमाने, हमको ये काम थोड़ो है अगले बार से। और सुनिए ना, सुनिए ना, पैसवा का कम से कम क्या कहा जाए, यही थी जो चुनाव जो जीती 5 करोड़ खर्च किया और उससे बढ़ के सीमा सा किया 6-7 करोड़ किया लेकिन हार गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।